हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज देखेंगे रुई लोपेज की बर्लिन डिफेंस। लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था बर्लिन डिफेंस में मेन लाइन के बारे में। मैं आज बताने वाला हूँ मेन लाइन जो है फिफ्थ मूव C3, और उसे क्लासिकल बर्लिन कहते हैं। क्लासिकल बर्लिन तो E4 E5 बर्लिन डिफेंस रुई लोपेज के सामने ही होता है। Nf3 Nc6 और बिशप B5। Bb5 के बाद ब्लैक खेलता है बिशप C5, और यहां व्हाइट कैसल नाइट F6 और C3। ये स्ट्रक्चर याद रखिए, ये बर्लिन डिफेंस C3 में मेन मूव मेन लाइन फिफ्थ मूव C3 वाली है। उसके बाद क्या करना है ब्लैक से, ब्लैक में करना है कैसल, व्हाइट खेलेगा D4 और यहां पे बिशप B6। आफ्टर बिशप G5 हालांकि D x E5 में रिप्लाई है Nxe4, मतलब काउंटर में आपको पॉन मिल रहा है, तो दोनों ओर से पॉसिबल है मूव, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बिशप G5 के सामने अब आपको पोन को प्रोटेक्शन कर देना है D6 से। उसके बाद क्वीन D3 और क्वीन E7, 8 मूव हो गए हैं दोनों के, और यहां पे एक ऑप्शन है Re1। Re1 के सामने आपको रिप्लाई देना है Nd8। Nd8 और आप ये पोजीशन नोट कर लीजिए कि C3 वाली मेन लाइन में इतने मूव्स होने के बाद ये स्ट्रक्चर आता है। उसके बाद व्हाइट खेलेगा बिशप H4 और यहां पे नाइट E6। और बिशप G3 मूव नंबर 11th, बिशप G3, और यहां आपको रिप्लाई देना है, यहां नाइट H5 और नाइट H5 D x E5 D x E5 Bxe5 Rd8 या टेम्पो मिलता है आपको रुक का एक पॉन सेक्रीफाइस के बाद में, और Qe2 व्हाइट खेलेगा, और Qe2 के बाद नाइट ई वाला F4, और ये पोजीशन से ब्लैक काफी बेटर है। दोस्तों ये थी बर्लिन डिफेंस। एक इवांस गैम्बिट करके लाइन है, इवांस गैम्बिट सब लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। इवांस गैम्बिट में शुरू से ही अटैकिंग लाइन है E4 E5 नाइट F3 Nc6 बिशप B5 बिशप C5 शॉर्ट कैसल, और यहां पे नाइट डी फोर फॉर द नाइट और बिशप दोनों के एक साथ में। नाइट डी फोर के सामने एक बेस्ट मूव है व्हाइट के पास B4, काउंटर अटैक वाला मूव है। नाइट क्रॉस F3 क्वीन टेक्स F3। अब यहां पे ब्लैक बिशप टेक्स पॉन ले सकता है, तो सिंपल बिशप टेक्स B4। ए व्हाइट पॉन सेक्रीफाइस करके अर्ली अटैक करना चाहता है, जो कि ब्लैक का किंग सेंटर में है। अगर ये डिफेंस ब्लैक कंप्लीटली कर लेता है तो ब्लैक सिंपल पॉन अप से गेम विन हो सकता है। तो यहाँ पे कैसे आगे गेम बढ़ेगी ये देखिए। बिशप टेक्स B4 के बाद व्हाइट क्या कर सकता है, व्हाइट सिंपल डेवलपमेंट बिशप B2 और थ्रेटनिंग E5 पॉन पे है। E5 पॉन को डिफेंस करने के लिए D6 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पॉन पिन है। तो इसके बाद फोर्स रिप्लाई, तो क्वीन E7 ये है फोर्स रिप्लाई,
और E5 पोन को प्रोटेक्शन करने के लिए। उसके बाद यहां पे आप वीडियो पुश करके व्हाइट की ओर से बेस्ट मूव ढूंढिए, कौन सा बेस्ट मूव है। तो देखो कोई भी ओपनिंग में मैं एक बेस्ट बात आपको बताने वाला हूं कि जब भी सामने वाले ने कैसलिंग अगर लेट किया है, कैसलिंग करने में उसने जरा भी देरी की है, तो तुरंत उसके किंग पे ही सेंटर में उसे फ्री मत होने दीजिए। यहाँ पे व्हाइट रिप्लाई देगा क्वीन G3 विथ डबल अटैक ऑन E5 और G7। यहाँ पे मोस्टली ब्लैक का बेस्ट रिप्लाई होगा F6 और यहाँ D4। अब देखे ब्लैक की पोजीशन अभी भी कैसलिंग बिना अटकी हुई है, सेंटर में किंग पड़ा है और तुरंत सेंटर में व्हाइट अटैक कर रहा है। एक पॉन सेक्रीफाइस के पीछे इतना बड़ा आपको चांस मिल रहा है अटैक करने का, तो वो कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना जल्दी आपको अटैक मिल रहा है व्हाइट की ओर से, गेम खेलने में बहुत मजा आएगा। यहाँ से फिर से देख लेते हैं पोजीशन। इवांस गैम्बिट E4 E5 Nf3 Nc6 बिशप B5। तो यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं नाइट D4 और नाइट D4 के बाद नाइट डी फोर और उसके बाद B4 सेक्रीफाइस ऑफ पॉन। अगर नाइट टेक्स B5 होता है तो सिंपल आपको पीस वापस मिल रहा है बी टेक्स C5 से। नाइट F3 में क्वीन F3 और बिशप टेक्स B4, ये एक लालच है पॉन की और अर्ली अटैक आपको करने को मिलता है। यहाँ पे बिशप B2 से आप डायरेक्टली सेंटर पॉन पे अटैक कर सकते हो। क्वीन E7 ओनली होप है पॉन बचाने का और यहाँ पे आपको क्वीन G3 करके विथ डबल अटैक फोर्सफुली ब्लैक को F6 करवाने पे मजबूर करते हो और तुरंत D4 करके यहाँ आप सेंटर ब्रेक करके जबरदस्त अटैक में आ सकते हो। तो ये गेम खेलने में व्हाइट की ओर से बहुत मजा आएगा। इवांस गैम्बिट ट्राई कीजिए आप, अगर ब्लैक अर्ली D4 करता है नाइट D4 तो उसके रिप्लाई में आपको यहाँ पे एक शॉकिंग मूव जो है B4, ये एक नया इन्वेंशन है। तो B4 ये आपके लिए बेस्ट चॉइस है। और भी नए नए मूव्स आपको मिलते रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सारे ओपनिंग के अनबिलीवेबल न्यू मूव्स आपको जानने को मिलेंगे। दोस्तों जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय गुजरात।